शुगर हो या सिगरेट हो या ये जो नशा है, ये भी जो सक्सेस जो होता है वो भी एक नशे जैसा है, करेक्ट? तो वो अब समझो मैंने एक हिट सीरियल दे दी, तो अगली बार पहली बार की मेरी जो खुशी है वो दूसरे बार में उतनी नहीं होती है, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक ऊंचाई एक्सपीरियंस कर ली है, उसका हाई एक्सपीरियंस कर लिया है. द रेट्रोस्पेक्टिव थॉट डिड नॉट कम फ्रॉम द फैक्ट वेदर द शो डिड वेल और नॉट, इट केम फ्रॉम द फैक्ट दैट I need to keep Neha Paints's personal opinion away from the jobs that I am saying yes to. But you don't regret not being a part of Anupama, but that has been a learning curve for you in terms of decision making, better decision making in the future? Yes, yes. I don't regret. I definitely don't regret because it is a choice. I made that decision. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वाकई अफेक्ट होती लोग क्या कहेंगे इस मेंटालिटी से, तो मैंने जिंदगी के जो आधे से ज्यादा डिसीजंस जो लिए हैं वो शायद मैं जिस सहजता से ले गई मैं ले ही नहीं पाती. हाय, दिस इज नेहा पेंट से और आप मुझे देख रहे हैं शुभोजीत के यूट्यूब चैनल पे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हाँ मेरे दोस्तों, when people talk about karma, I think this is something that I genuinely believe in. अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे जगह पे पाए जाओगे. I think कुछ अच्छा कर्म मैंने किया होगा पहले, इसलिए देखो डायरेक्ट कहाँ पे किसके रेस्टोरेंट पे आया हूँ, किसके जगह पे कौन लंच करा रहा है मेरे को. देखो यार, वन एंड ओनली नेहा पेंट से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय प्लेटफॉर्म. इट इज, यू लुकिंग लवली इन दिस ड्रेस, पोलका डॉट्स वगैरह, वाइब, फैशन ऑन पॉइंट, फूड ऑन पॉइंट, रेस्टोरेंट ऑन पॉइंट, बिजनेस ऑन पॉइंट, एक्टिंग ऑन पॉइंट, सब कुछ ऑन पॉइंट. पहली बार व्हेन थिंग्स स्टार्टेड बीइंग ऑन पॉइंट फॉर यू एज अ प्रोफेशनल, वो क्या फीलिंग आता था? वो थोड़ा बहुत अंडर ही अंडर अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट वाला फीलिंग आता, बिकॉज यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, सी, यस, इनिशियली ओनली फॉर वेरी फ्यू सेकंड्स यू डू फील गुड अबाउट इट, बिकॉज देन द फियर कम्स इन कि आगे क्या. इट्स हाउ, लाइक, अचीव तो कर लिया, इसको मेंटेन कैसे करूँगा? और हम इतने इनसिक्योर लोग हैं, सारे के सारे से फैक्टर करके नहीं, लेकिन हम सारे इतने इनसिक्योर लोग होते हैं कि हम हमारे सक्सेस को या उस एक मोमेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना भूल से गए हैं, क्योंकि इमीडिएटली यू गो ऑन व्हाट नेक्स्ट, इमीडिएटली देयर इज अ फियर, करेक्ट? सो That's how it's been for me. So what I really want to know is that ki, it's been a very fascinating, interesting journey for you professionally as well. And what I really love about women and, you know, people in general as well, ki agar abhi ek time pe kya tha ki yaar acting kar rahe, तो चलो ठीक है एक्टिंग पे ध्यान देते, बट नाउ पीपल वांट टू बिल्ड देयर ओन ब्रांड्स बियॉन्ड द वर्क ऑफ एक्टिंग एज वेल, डाइवर्सिफाई एज वेल, पीपल आर बिल्डिंग देयर बिजनेसेस, यू फॉर एग्जांपल दिस फैंटास्टिक रेस्टोरेंट, नो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर, राइट? अगर मैं आपको पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव एक्सप्लोर्ड सो फार, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट यू स्टिल वांट टू डू, राइट? सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू फील कि यार मैं एक्सप्लोर करूंगी तो मैं धमाल मचाऊंगी? I'm glad you asked this question, because I do feel that there is somewhere a business aspect in me that I want to explore more. And about that, I think I want a brand for myself. Mostly, मुझे कपड़ों का बड़ा शौक है. मुझे fashion अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है कि I've got something for you. You'll be very happy after this. Yeah. Okay. Yeah. So I feel at some point I will have a brand of my own, a fashion label of my own. That's what I'm looking forward to. Let's see when that happens. She'll be very happy with something that I've got, huh? You know, you've got to tell me something. जब आप कोई किरदार निभाते हो on screen, it becomes a part of you always, forever, till the time you're alive. You carry it till your grave, right? For you, you know, names अलग अलग बनते गए. Madam बनता गया, भाभी बनती गई, भाभी madam, madam भाभी, बहुत कुछ बनता गया. But what has stayed constant for you, I think, is the love that people have shown. Kiar, irrespective of the shows that you have done, the love has been constant during your high points, during your low points as well. Agar main poochu ki ye jo audience and I would say fans ka pyar hai,
हाउ हैज इट हेल्प्ड यू ड्यूरिंग योर लो फेजेस, बिकॉज हाई फेजेस के बारे में एवरीबडी टॉक्स, राइट, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बट लो फेजेस में पब्लिक फिगर्स के लिए कभी कभी बात करना मुश्किल हो जाता है. हाउ हैज दैट हेल्प्ड यू टू स्टे फोकस्ड नॉट जस्ट योर क्राफ्ट बट ऑल्सो योर ओन वेल बींग? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली ये जो नजरिया है ये आपके बढ़ते मैच्योरिटी के साथ आपका ये नजरिया बढ़ते जाता है. लाइक श्योर ये सारा जो एक एड्रेनलिन रश जो है वो ट्वेंटीज में आपके लिए कि हाँ यू नो मुझे ये मेरे फैंस के लिए करना है, अब मैं अगले मेरे फैंस के लिए क्या कर सकती हूँ. आई थिंक विद अ सर्टन मैच्योरिटी एंड इयर्स एज यू ऐड टू इट आप ना ही आपके सक्सेस से अफेक्ट होते हो ना ही आप अपने फेलियर से अफेक्ट होते हो. आप हर चीज को इमोशनली ना देखते हुए ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स मैच्योरिटी, दैट्स लाइफ. बिकॉज इट्स स्टॉप्स हिटिंग यू लाइक इमोशंस, वही सेम इमोशन आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शुगर हो या सिगरेट हो या ये जो नशा है ये भी जो सक्सेस जो होता है वो भी एक नशे जैसा है. करेक्ट. तो वो अब समझो मैंने एक हिट सीरियल दे दी तो अगली बार पहली बार की मेरी जो खुशी है वो दूसरे बार में उतनी नहीं होती है बिकॉज आपने ऑलरेडी एक ऊंचाई एक्सपीरियंस कर ली है, उसका हाई एक्सपीरियंस कर लिया है. श्योर यू आर हैप्पी अबाउट इट्स ऑलमोस्ट लाइक मार्जिनल यू नो आई थिंक क्या बोलते हैं उसको मार्जिनल इक्विटी या कुछ आई थिंक इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि द फर्स्ट टाइम यू टेस्ट समथिंग एग्जैक्टली यू लव इट एंड देन द सेकंड टाइम वो सेम वैल्यू फील नहीं होता है. हां बिकॉज़ यू हैव बीन थ्रू इट एंड दैट इफ यू गो थ्रू लाइक आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स नाउ आई हैव सीन सो मेनी अप्स सो मेनी डाउन्स कि अब मुझे नाइदर हिट करता है. So, I'm pretty okay with it. I'm like, if it works, then you only feel ki, okay, fine, all that hard work was worthy of it. And if it not, then you have to sit back and see that what went wrong. Because I don't want to repeat this again. But also, hamari industry bhi aisi hai na ki koi right wrong ka formula hai nahi. मतलब कोई फिल्म अच्छी है इसलिए चल जाती है ये हिसाब नहीं है, कोई शो बुरा है इसलिए नहीं चलता ऐसी बात नहीं है. तो सही गलत का हिट फ्लॉप का कोई फॉर्मूला नहीं है. मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मुझे लगता है अगर आपका हिट फिल्म हो हिट सीरीज हो कुछ भी हो मुझे लगता है कहीं तो एक डिवाइन ब्लेसिंग का हाथ उसमें होना. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे तो फाइनली लगता है कि इफ यू आर लकी देन एवरीथिंग हैपेंस करेक्टली इफ द प्रोजेक्ट इज लकी एंड देन यू आर लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. बाकी तो मेहनत हर कोई कर रहा है, सब कुछ हर कोई कर रहा है, कोई भी चलो जाके सेट पर टाइम पास करके आते हैं ऐसे एटीट्यूड से बहुत कम लोग आज के तारीख में काम करते हैं. बिकॉज सबको यू कांट एग्जैक्टली आज के तारीख में इस एटीट्यूड से बहुत कम लोग काम करते हैं. मैक्सिमम पीपल आर बिकॉज दे नो दैट देयर लॉन्जिटिविटी डिपेंड्स ऑन देयर सक्सेस. अ लॉट ऑफ जैसे आपने कहा कि बाकी की सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं एक्टिंग के अलावा ये आपके सक्सेस से जुड़ी हुई हैं. तो एवरीवन्स ग्रोथ इज ऑनलाइन. So no one is taking their serious their success very lightly. So to answer your question, I'm okay. If it's hit, it's great. If it's not, that's also okay. मुझे बताओ आप एक चीज, you know, an actor's career is not just defined by the things that he or she says yes to, but also the things he or she says no to, right? तो मुझे बताओ, as far as like I've heard so much about you saying no to Anupama, this, that, etc. वगैरह वगैरह, but you know at the end of the day the show is a cult hit. Rupali ji does a great job. Absolutely. Sudhanshu does a very great job. Everybody. But tell me something. Once after वो सब हो गया decision आपने मना किया उसके बाद then you saw the kind of love that the show was getting. Retrospective thought में कभी ऐसा हुआ कि यार maybe I could have given it an opportunity, you never know. वही explore का अगर funda इसमें apply करती शायद कुछ और होता. What is your retrospective thought about you know Anupama? The retrospective thought did not come from the fact whether the show did well or not. It came from the fact that I need to keep Neha Paints's personal opinion away from the jobs that I am saying yes to. Absolutely. The reason why I could not connect to something like that show or most of the shows that are happening on Indian television is because they are regressive. Correct? And I come from a very progressive upbringing. So, mere liye aisa nahi hai ki aisa hota hai kya nahi? Of course, aisa hota hai. But aisa lagta tha ki I don't want to be a part of this. मेरा खून खोलेगा. मैं जल जाऊंगी. Found that ki even if it is good in terms of TRP value,
बट इट्स अ रिग्रेसिव प्रोजेक्ट जो शायद नेहा पेंसिलेगा एग्जैक्टली पर्सनालिटी अलाउ नहीं करेगा एग्जैक्टली तो मेरी आई थिंक समवेयर मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस मेरे रोल सिलेक्शन के बीच में आ रही थी विच इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेलीविजन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90% ऑफ योर पब्लिक और योर जनता और इंडियंस सो यू कैनॉट टेक दैट अवे एंड यू हैव टू थैंक योर अपब्रिंगिंग दैट यू प्रोबेबली आर नॉट हैविंग अ रिग्रेसिव लाइफ स्टाइल बट यू कैनॉट लुक डाउन अपॉन इट यू कैनॉट शन इट Or you cannot say, I don't want to be a part of it. Because as an actor, it's the character. तो ये मुझे लगता है मेरे सोच में कहीं तो एक maturity आ गई है. And I think now my decision making might be different. Because जैसा कि आपने कहा कि भले ही वो regressive हो, भले ही जो भी हो, but it's a part of the society. It exists in the society. It's happening. जैसे जैसे से या कबीर सिंह for example or whatever, an animal for example, people might say this that ये गलत है वो है, लेकिन गलत दिखाया भी जा रहा है क्यों? Because गलत असली में होता है. It's a part of the society. Exactly. It's a representation. What is shown in your television, films or any medium is a representation of what's happening in real life. Either You are not aware of it or you don't want to accept it. But don't say it's not happening. But you don't regret not being a part of Anupama. But that has been a learning curve for you in terms of decision making, better decision making yes. in the future. Yes, yes. I don't regret. I definitely don't regret because it is a choice. I made that decision. But I just realized that maybe it's not a right approach for my profession. Very good. I really appreciate that thought. Mujhe batao. You know, another thing why, you know, you hit the news and limelight, and I think it was a very brave move from your end. I think for any woman, motherhood is a very special, delicate cheez hota hai, affectionate cheez hota hai, and usse zyada special emotion kuch hota hi nahi hai. You know, when you talk about freezing your eggs in person and talk about it in front of the world openly, because there's nothing to hide as well. Agar kiya hai, toh kiya hai. That's part of, you know, biology, that's part of a person's life cycle as well. But अंदर ही अंदर इमोशनली एंड मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है टू काइंड ऑफ डू समथिंग लाइक दैट बिकॉज आई डोंट थिंक एवरीबडी कैन टेक दैट बोर्ड से मतलब पीपल बी लाइक कि चलो ठीक है हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है लेट मी बी द वे आई एम बट नॉट मेनी पीपल कैन टेक दैट स्टैंड एंड एक्चुअली गो अहेड एंड भले ही वो स्टैंड खुद के लिए हो लेकिन नॉट मेनी पीपल कैन एक्चुअली डू दैट एंड टेक दैट एक्स्ट्रा माइल एंड स्टेप डू यू अग्री विद व्हाट आई से नो नो बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग See the process. If you are financially capable, sure, it's a little painful process. I will not deny that. But the fact that I have a window to be mother at some point in my life, if not now, and because my biological clock is ticking, I have to take care of that process. वही pressure तो रहता ही है. Pressure तो है ही, but वो ये treatment जो है वो मुझे वो window देता है. मुझे वो opportunity देता है. कि भले आज मेरा मन नहीं कर रहा है या आज मेरी परिस्थिति नहीं है लेकिन मैं आगे चल के कहीं तो माँ होने के सुख से वंचित नहीं रहूंगी तो आई थिंक दैट ड्राइव इज सो स्ट्रॉन्ग कि आई हैव दैट विंडो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी या एंड आई डोंट मतलब आई वेरी हैप्पीली वेंट फॉर दैट प्रोसेस एंड इट्स अ पेनफुल प्रोसेस आई विल नॉट डिनाई दैट बट इट्स फॉर दैट ड्राइव ऑफ इट इट फॉर giving me that opportunity to be mother at some point in my life. Correct. So if you, my only regret is that I probably went for that process very late in my life. Whoever is watching this, agar aap ek career woman hai, agar aap sure nahi hai, jise main bhi sure nahi for the longest time ki mujhe maa banna hai ki nahi banna hai, to aap ye freezing karke zarur rakhein. एंड बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है अब के ज़माने में पहले ज़्यादा एक्सपेंसिव था लेकिन आप ज़रूर ये करें मदरहुड ये ऐसी चीज़ है ना कि वो कब आपको हिट करे इसका कोई भरोसा नहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ तो आप अगर आप यंग है इफ यू आर 20 समथिंग आई रियली फील यू शुड गो अहेड एंड डू इट बट यू नो आई रियली लव योर करेज एंड ब्रावाडो बिकॉज हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं आई थिंक इट्स देयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बट इन आवर कंट्री एज वेल वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स राइट सो समवेयर डाउन द लाइन यू डू थिंक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी फॉर अ यंग एंड इंडिपेंडेंट वुमन टू मेक हर ओन करियर आउट देयर काम करना वगैरह साइमल्टेनियसली डीलिंग विद थॉट्स लाइक और यू नो क्वेश्चंस अराउंड कि यार अरे नेहा तुम इसे शादी कब करोगी मम्मी कब बनोगी ये करोगी वो करोगी ये सब कॉन्स्टेंट नॉइज आते रहते हैं राइट
But then again, what I really love about the fact is you choose your own timeline. Hmm. Not many people are sometimes able to do that because वही जो societal pressure है वो उसमें give in कर देते हैं. What has been your biggest motivation and strength to not give in to that societal pressure? In all honesty, I never got that pressure. Which is a very lucky thing. like I said, I come from a very progressive family. Whether marrying someone, having kids, or whatever has always been my personal choice. मतलब मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है ना मेरे माँ बाप ने कभी मुझ पे तू कब शादी कर रही है जल्दी कर ले आई गॉट एकदम रिलैक्स शादी हुई मेरी मतलब आई वाज आई थिंक व्हाट 35 व्हेन आई गॉट मैरिड सो आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एज फार एज थिंकिंग इज कंसर्न प्रोग्रेसिवनेस इज कंसर्न तो और मैं जानती हूँ इन चीज़ों के प्रेशर्स बहुत खतरनाक होते हैं बिकॉज कंटिन्यूस नैगिंग कंटिन्यूस ताने कंटिन्यूस रोज घर में आके एक कब हो रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कुछ भी ये नहीं था शायद अगर कुछ प्रेशर होता ना तो मैं कम से कम ये फ्रीजिंग प्रोसेस तो जल्दी करके रख देती मुझे लगता है कि कुछ था ही नहीं मेरे ऊपर तो मैंने सोचा भी नहीं उस लाइन में So again, it's related. It's all interrelated. Yeah. So if you have any such pressures, then you can just shut them out by doing the process and say, now let me concentrate on my career. But I never had any such pressure. You know, I love your social media handle as well. And I think, देखो हर एक किसी के social media handle में कुछ pros होते हैं, कुछ cons होते हैं. There are people who are always appreciating. Some people cannot get away from your characters that you have done in the past. And there are some people who will spew hate unnecessarily for no reason. चाहे कुछ भी हो, कभी-कभी professional reasons से hate spew करते हैं, which is fine. But sometimes I think personal hate is a little too much to take sometimes. How do you handle trolling on social media? Do you at all care? आप देखते हो, कभी-कभी अगर कोई कमेंट देख के गुस्सा आता है या से अपसेट लगता है तो कभी कभी मन करता है कि यार इसको अगर मौका मिलता जाके मुक्का मार के देख जाता मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वाकई अफेक्ट होती लोग क्या कहेंगे इस मेंटालिटी से तो मैंने जिंदगी के जो आधे से ज्यादा डिसीजंस जो लिए हैं वो शायद मैं जिस सहजता से ले गई मैं ले ही नहीं पाती एफर्टलेसली एंड विद ईज हां मतलब मेरे लिए बस मेरे पेरेंट्स का अप्रूवल मेरे लिए सिर्फ वही मायने रखता है और मेरे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है I'm so sorry लेकिन मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता टाइट स्लैप ऑन दोस फेसेस जो लोग को लगता है कि तुम एक्चुअली किसी का मनोस्थिति बिगाड़ सकते हो नहीं ऐसा नहीं है कुछ लोग हैं जिनकी मनोस्थिति बिगड़ती है तो कोई टाइट इनका नहीं बिगाड़ सकते हाँ मेरा नहीं है ठीक है अभी मैं तो काफी खैर सीजन हो चुकी हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो करते हैं मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ना करें कुछ लोग हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो वुड बी कि यू said right now that there was a time when personal side of Neha used to come in between your decision making. Yeah. Now that side has changed and now you are more into looking at completely professionally. Mujhe batao ki given this thought process right now, what are the kind of stuff that you're looking forward to be a part of in the future? Because again, whenever you talk about progressive and progressive stuff, it might not be the popular choice. So, options kam ho jata hai, limit ho jata hai. So, usi limit mein agar kaam karna hai, what are your personal preferences and choices? What the stuff that you would love to do, irrespective of medium. Medium to aaj ke time pe koi farak hai nahi. No, in fact, medium ka hi pura khel hai. Kyunki mujhe lagta hai ki OTT platforms mein kaafi progressive cheeze hain. Agar bahut progressive bhi na ho, to bhi itni regressive cheeze nahi ho rahi hain. Aur OTT mein aaj bhi ummeed bahut hai. Yes, of course. In terms of content. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में देखो क्योंकि सारे प्लॉट्स एक्सप्लोर हो चुके हैं सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका है आज के जमाने में आपके हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट होना जो अच्छे मेकर के साथ है आपका किरदार अच्छा हो वो अच्छी तरीके से बन के बाहर निकल आए और लोगों का उसको प्यार मिले ये जो मैं कह रही थी कि एक डिवाइन ब्लेसिंग कहीं पे होना जरूरी होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नाउ श्योर If the medium is television, then the subject might not be as progressive. But even if you are a part of a successful project, that matters. That's the only thing that matters. So I think what I'm really manifesting for 2024 is to be a part of successful show, whether it's any medium, film, OTT or television. Well, I genuinely hope ki jo bhi manifestation hai, wo sach ban jaye because I think manifestation
इज अ रियल पावर दैट अगर रियलाइज किया जाए यू नेवर नो ह्यूमंस कैन एक्चुअली डू अ लॉट मोर देन व्हाट दे इवन फील. थैंक यू सो मच नेहा फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. इट्स बीन अ प्लेजर. डू सपोर्ट हर फॉर एवरीथिंग दैट शी डज इन 2024 सिर्फ नहीं आगे जाके भी जितने सालों में. शी इज योर मैडम, शी इज योर भाभी, शी इज योर वन एंड ओनली नेहा. दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टिंग. दिस इज योर होस्ट शुभजीत. आई विल सी यू ऑल विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड वेरी सून. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू.